सदस्य मौजूद हैं, इनकी आदत है कि बाहर से कोई भी मोहल्ले में आए तो उससे ये तरह तरह के सवाल पूछते हैं, लेकिन आज इसके उलट होने वाला है। आज मोहल्ले वालों से सवाल पूछे जाएंगे, देखें कितने जवाब हैं इनके पास। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर सकते हैं। मेरा सवाल विक्की और अंकिता से, पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, मैं सोनाली नाइक TV9 से। विक्की अंकिता, जिस तरह से बिग बॉस के घर में आप दोनों को लड़ते हुए देखा है, एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या स्क्रिप्टेड है? क्योंकि अभिषेक कुमार ने हाल ही में कहा था, जब बिग बॉस के घर के लाइट्स बंद हो जाते हैं तब आप आपका माइक निकालकर ये डिस्कस करते हो कि अगले दिन क्या करना है, ताकि फोकस अंकिता पे रहे, विक्की जैन तो ऐसे भी ट्रॉफी जीतने से रहे, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अभिषेक ने कहा जी, अच्छी चीज बताई आपने, क्या कहता है बताता हूं इसको। अभिषेक खुद ये सोचता है, आई थिंक वो नेक्स्ट डे प्लान करता है, लेकिन जितना मैं अपने आप को जानती हूँ और विक्की को जानती हूँ, मैं कभी कोई चीज स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली कर नहीं सकती। जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, बहुत रियल है, और जो फीलिंग है मैं ऐसी ही हूँ, मैं अभिषेक कुमार जैसे बोलते हैं मैं वैसी ही हूँ, और एग्जैक्टली नो कॉपीकैट्स, बट यस मुझे जितना पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो रियल कर रही हूँ, सो इट्स ओके। इनकी आदत नहीं बोला था, मैंने ये बोला था कि ये माइक उतार के बात करते हैं, तो शायद कल की जो शायद तो नहीं था, तो मेरा कहने का वही मतलब था कि ये भी मैं सुन तो सकता नहीं क्या बात हो रही है, तो मैंने ये बोला था कि शायद ये कि आज के टॉपिक से रिलेटेड बात करते होंगे कि कल क्या होता है। कभी क्या होता है, बहुत झगड़े हो जाते हैं होते हैं, क्योंकि घर पे बहुत प्रेशर हमारा हुआ है इस तरीके से कि हमारे बहुत फाइट्स हुई होंगी डेफिनेटली, उसके बाद कभी कभी हम सोते सोते भी लड़ी रहे होते हैं, तो क्या होता है जब माइंड निकाला होता है ना उसमें हम 10 बार लड़ लेते हैं, तो अभी जैसा भी ये सब आज जब भी खानजादी थी तभी ये खुद भी इतनी खुसुर बातें करते रहते थे, तो हमारे रोमांटिक नहीं होते थे, लेकिन ऑफ कोर्स मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं अपनी लाइफ में कभी आज तक कोई प्लानिंग से नहीं गई हूँ, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये मैं हूँ, दैट्स इट। वाइफ जब अलाउ करेगी तभी मैं बोलूंगा, मैं सुधार कर रहा हूँ अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा। So, क्या आप कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ ये होता है, जो अभिषेक जिस चीज की तैयारी कर रहे थे बात बोल के, वो क्योंकि खुद माइक उतार के अपने जो हमारे बाबू भैया थे उनके साथ रात भर बातें करते थे, तो उस सवाल को मैं कल खड़ा होकर ना करूँ तो उन्होंने उसकी तैयारी पहले से करने के एवज में ये बोला होगा, और वैसे इनकी बातों को ज्यादा मैं ध्यान नहीं देता, बट उसके अलावा मेरा और अंकिता का जो भी ये चीज है, जो एक लड़ाई जो सामने आई है, मैं 200% श्योर हूँ कि हर हस्बैंड वाइफ की अपने घर में लड़ाइयां होती हैं, और उससे ज्यादा ऑर्गेनिक कोई चीज नहीं होती। अगर कोई ये बोलेगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई नहीं होती तो शायद सबसे बड़ी स्क्रिप्टेड वो स्टोरी होगी। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में लड़ाई होती है, जिस रिश्ते में बहुत ज्यादा प्यार होता है उस रिश्ते में 100% लड़ाई होती है, तो आई गेस हम जितने ऑर्गेनिक और जितने रियल रह सकते नहीं, मतलब रियली थे इसलिए लड़ाइयां हो गई, रियल नहीं होते तो शायद लड़ाइयां नहीं होती। अगर मुझे ये मौका मिलता कि मैं अपना कोई इमेज बनाकर रखना चाहती और मैं कुछ सोच कर करती तो मैं लड़ाइयां नहीं करती, मैं और उस चीज को मैच्योरली और अच्छे से हैंडल कर पाती, दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि अगर मैं कोई एक चीज बाहर से लेकर आ रही हूँ वो है मेरी खुद की इमेज, तो यहाँ पर आई थिंक जो मैं कर पाई हूँ मैं एक्चुअली जो फील करा है वही मैंने किया, ना कि ये सोच कि बाहर लोगों को कैसा दिखेगा, सो ये ज्यादा रियलिटी है। और स्क्रिप्टेड एक्चुअली ये होता है, जब हम ऐसे रहते हैं ना ऐसे वो मैक्सिमम टाइम, तो वो स्क्रिप्टेड होता है, रियल ऐसा नहीं। आज हम सबके माँ बाप ये शो देखते हैं, माँ बाप को सबसे पहली चीज या हमको भी अपनी पहली चीज होती है कि अगर हमारे क्लोज वंस हो तो उनकी सिक्योरिटी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो जो चीज हुई थी वो एक मेजर रूल ब्रेक माना जाता है कि अगर आप किसी के ऊपर कभी हाथ उठा दें, वो सीमा को कोई भी ब्रीच नहीं करना चाहिए। मैं उस चीज में श्योर था, तो मेरे लिए आज भी वो स्टैंड गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुस्सा मुझे नहीं आया, जबकि मेरी सिचुएशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रही क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ पे रही है, और मेरी वाइफ के साथ शायद अभिषेक ने 500 बार ऐसी चीजें कही या बोली है, उन्होंने भी रिप्लाई किया होगा, बट कई बार मैंने मुंह में टिश्यू नहीं डाला, और मैंने इतना ज्यादा इतनी हद तक पोकिंग नहीं करी कि मैं वहां उस स्टेज तक पहुंच गया, जबकि ईशा के फादर ने आके भी वो चीज क्लियर करी है कि वो बहुत हद लेवल की पोकिंग हो गई थी, जिसमें मतलब अभिषेक पे तरस आ रहा था। वो शायद सवालों में आ जाएगा आपसे, मैं अपना जवाब दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरी नजर में मेरे साथ भी ऐसा सिचुएशन हुआ है, बट मैं आई एम प्राउडली आई कैन से कि आज तक मेरे मुंह से कभी भी किसी झगड़े के दौरान कोई गालियां नहीं निकली, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया, तो जो चीज मैं कर सकता हूं वो कोई भी कर सकता है, ये सोचते हुए मैंने कहा कि वो चीज आपने बहुत गलत की थी, और उसके लिए फॉरगिवनेस नहीं मिल सकती, बाकी कोई भी चीज आपको मिल सकती है लाइफ में, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, और एक जो
जीतने वाली पोजीशन होती है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना मेजर रूल ब्रेक करके भी आप जीत सकते हैं तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ राइट एग्जांपल टू बी सेट फॉर हेंसफोर सीजंस इज व्हाट आई बिलीव। हाय एवरीवन, हेलो मुनावर, आपके लिए क्वेश्चन है। अंकिता को ऐसा लगता है कि आपने बिना कुछ किए यहाँ पे आ गए हैं फिनाले वीक में, कोई गेम प्लान रहा ही नहीं है आपका, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेस्ट फ्रेंड को ही नहीं लगा कि आपने कुछ किया है शो में। तीन हफ्ते पहले ही उन्होंने बोला था, क्या लगता है मुन्ना तू और मैं ही खड़े होंगे? तूने बोला था बे? नहीं नहीं आप, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ मुझे अच्छे से याद है और यहाँ पे लोग अग्री भी कर रहे जिन्होंने सुना है, जिन्होंने सुना है और ऑडियंस देख रही है। तो मैं बोला कि क्या लगता है मुन्ना कौन आएगा टॉप फाइव में, तो मैंने बोला यार टू सून टू से, अभी आई डोंट नो व्हाट टू से, ये वो, मुझे लगता है तू और मैं ही खड़े होंगे क्या, तो ऐसा भी कहा है। और तो कोई बात नहीं, ये कन्वीनियंट के हिसाब से होता है इंसान। कभी कभी आपको लगता है ना कि ये बनिया में दुकान से जो ब्रेड खरीदता हूँ बहुत अच्छी देता है, बट जिस दिन बनिया ने आपको ऐसा पटक के पैसा दे दिया तो आपको लगेगा क्या बदतमीज है, तेरी ब्रेड अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक खटास जब आ जाती है इंसान के, तो इंसान के ओपिनियन ऐसे खट्टे ही हो जाते हैं एक दूसरे के बारे में। कुछ कर यहाँ ना करके पहुँचना, जबकि वो पिछले दो तीन दिन से जब बिग बॉस के द्वारा भी पूछा जाता है तो एक ही चीज़ कहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग जब पहुँचे हैं तो बहुत ही डिजर्विंग है। आज दिन में ही उन्होंने कहा है कि बहुत डिजर्विंग लोग हैं वही जो पहुंचे हैं यहाँ पे, इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो अनडिजर्विंग नहीं है, मेहनत किए तभी यहाँ तक पहुंचे। तो अपनी बातों से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं और इट्स ओके। आप कभी ऐसे मूड में होते हो, आप कभी गुस्से में होते हो तो आप अपनी चीज़ों से कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हो कि भाई मेरा मूड अभी तेरे से गुस्से वाला है तो मैंने ये बोल दिया है। तो कहीं ना कहीं अंकिता इस चीज़ से जब शांत होगी और समझेगी, याद करेगी कुछ अच्छी दोस्ती के पल, तो वापस उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि नहीं नहीं इसने मेहनत तो उसने करी है, बट वो गुस्से में शायद या एक रंजिश में उन्होंने बोला होगा। बाकी मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लगा कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। और रही बात ना डिजर्विंग होने की, मैंने भी उतनी ही मेहनत करी है। उन्होंने बार बार कहा है मुन्ना अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, मुन्ना तो मुन्ना 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 करके वो जो नाम के पीछे वॉर है ना, वॉर मुनव्वर में WAR, तो वॉर इन लोग भूल चुके थे। तो जब मुन्ना अपने लिए बोल गया ना तो मुन्ना बुरा लग गया। तो मुन्ना बोलता कम है क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल ज्यादा है, हम ले लेते बहुत ज्यादा चीजें, बट जब बोलते तो लोगों को पसंद नहीं आते। बट तरीका तो यही रहेगा और यही रहा है, चाहे जितना भी फीडबैक आया है, लड़के मैं नहीं दिख सकता, लड़ाइयों से दूर भागता हूँ, जिंदगी भर देखता आया हूँ, तो अब लड़ाइयों से दूर भाग के तरीके से चीजें सॉल्व करता हूँ। और इनका मानना यही है कि मैं दिखा नहीं और मैं डिजर्व नहीं करता, बट मेरा कहना यही है कि आपको भी लगता था जब तक आपके साथ मैं सही था कि मैं डिजर्विंग हूँ, अब आपके साथ थोड़ा सा खटास है तो आपको लगता है मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। तो मेरा यही कहना है कि ये उनका नेचर है, मैं डिजर्विंग हूँ। और रही बात आपको 14 हफ्ते तक मैं फेक लगाऊं तो मैं बोला 10 हफ्ते तक, 10 हफ्तों तक अगर मैं आपको, 10 हफ्ते के बाद अगर मुझे आपका ये लगा तो मेरा आज एक ओपिनियन आपके बारे में चेंज हुआ है कि मैं आपको बहुत समझदार समझता था। आप जब आए तो मुझे भी लगा कि भाई किचन बहुत स्मार्ट आदमी है, पर अगर विक्की भाई को मेरे को समझने में 10 हफ्ते लग गए तो आप स्मार्ट आदमी नहीं हो। आपकी आयशा जी के अलावा मैं आपके दोस्ती के जो रिश्ते हैं अभिषेक, उसका सवाल आपके लिए आएगा, उसका सवाल उसके आपके लिए आएगा। तो मैं इसी पर, आपने अभिषेक को बोला था ना सवाल आएगा, कुछ करना है, मतलब मैं बोल रहा था कि हर चीज को, तो उसका जवाब आ जाएगा हर चीज। मैंने अभी खाली नॉट जस्ट ऑन आयशा एंट्री, चलो मैनी मोर कनेक्टेड। यस 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 यस। हेलो गाइस, मेरा नाम आदि है फिल्मी ज्ञान से। सवाल मेरा अरुण के लिए होगा। ऐसा लग रहा है कि शायद आप बाय लक इतना आगे आ गए हैं क्योंकि आपका इनपुट गेम में उतना खास दिखाई नहीं दिया, चाहे इन पांचों के मुकाबले या बाकी घर वालों के मुकाबले। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इन लोगों के साथ बैठना और यहाँ तक आना? पहले तो बाय लक भी बोल सकते हैं, मेरे को जहाँ तक ये घर में दिखा है, जहाँ पर बात करना मेरा दिल बोला मैं बात करता हूँ, जहाँ बात नहीं करना है वहाँ बात नहीं करता। ऐसे ऐसे जगहों पे अगर तुम बोलोगे तो उन लोगों का क्या है, वो बात को आम को जाम बता के बदनाम करते, तो वो फुकट के लफड़ों में मेरे को नहीं फंसना है बोल के मैं कम बोलता हूँ, और जहाँ बोलना है वहीं बोलता हूँ। तो हम सबको क्या है, वीकेंड क्या वार रहने दो या जस्ट चिल रहने दो, अपने को मौका मिलता है। तो हम हफ्ते भर में जो भी हम देख रहे, जो भी हम समझ रहे, वहाँ पर बोलोगे तो पूरी दुनिया देखेगी। घर में टाइम 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 तुम कर लेते बैठे तो उसको पसंद आए तो सुनता, नहीं पसंद है तो नहीं सुनता। अगर उसको मेरे से जलन है या मेरे से तकलीफ है तो हमको जाम बना के बता देता, मेरे सिर पर हंडी फोड़ देता, मैं बदनाम हो जाता हूँ। तो जरूरत रहा तो ही बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। बाकी जो जनता है वो मेरे को समझती है, मेरे को समझी है, दैट इज द रीजन आई एम हियर। कि ओरिजिनल हूँ, जेन्यून हूँ, ऑर्गेनिक हूँ, इन्हें दूसरों के जैसा कहीं ना कहीं फेक या डबल वो नहीं कर रहा। तो उस हिसाब से तो अभिषेक की गेम आपको फिर डामाडोल लगी क्योंकि वो हर मुद्दे में कूद जाते हैं।
हाँ हर जहाँ पर जगह नहीं मिलता वहाँ पर भी खोज जाते हैं जी। और भाई को क्या है कि खानसादी जाते भाई भूल गए थे एकदम गजनी बन गए थे, अब गेम क्या है खत्म हो रहा, नजीक आ रहे हैं पांच दिन रह गए, नजीक आ रहे हैं तो अभी हल्लू धुंधला दिख रहा, अब पूरा चेहरा याद आ रहा, तो आखिरी दिन पूरा खानसादी का चेहरा दिमाग में बढ़ जाएगा भाई को पूरी याद आ गई। तो ये सब फेक बना मेरे से नहीं होता, जो होता मुंह पे होता, मुंह पे बोल देते हैं। हाय गाइस, नवाज कोचरा इंडियन एक्सप्रेस से। मेरा सवाल है मन्नार और अंकिता के लिए। okay. आप दोनों में दो चीज कॉमन है, एक तो विकी भैया से इक्वेशन और दूसरा ये दावा कि आप लोग दोनों दोस्ती बड़ी दिल से निभाते हो। वो इसीलिए क्योंकि हमने ये देखा है कि यू नो भले ही आप बोलते हो कि हम दिल से दोस्ती करते हैं, बट जब कभी भी आपका झगड़ा होता है, भले ही वो मुनव्वर के साथ हो या आपका झगड़ा हो विकी भैया के साथ फॉर हिज फ्रेंडशिप विथ मन्नारा, आप लोग कैरेक्टर असैसिनेशन पर उतर आते हो, यू नो आप लोग एक दूसरे के किरदार पर इतनी उंगलियां उठाते हो, तो आपकी दोस्ती फिर दिल से कैसे हुई? आपको तो मुझे लगता है कि इस घर में एक मुनव्वरी थे जिनसे ज्यादा मैंने बहुत ज़्यादा कनेक्ट करा। मेरी सिस्टर ने इंटरव्यू में भी बोला कि मुझे आदत है कि मैं अपने घर वालों से हर चीज़ के लिए ओपिनियन लेती हूँ, एंड विच इज़ वेरी एविडेंट मेरी बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग में, आई लुक फॉर दैट थिंग। तो जब इस घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी तो देयर वर मोमेंट्स कि मैं बहुत वीक पड़ जाती थी, एंड मुनव्वर वॉज द वन जो ऐसा नहीं है कि कनेक्शन सिर्फ मेरे एंड से भी था, और भी लोग लो जाते थे बट उनको भी वो फील होता था एक जेन्युइन कनेक्शन, तो वो भी आते थे मेरे पास एंड ही यूज्ड टू एक्चुअली फील कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, एंड ही यूज्ड टू करेक्ट मी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। बट उन्होंने इस शो में एक नैरेटिव सेट करा था दैट स्पेसिफिकली फॉर हिज गर्लफ्रेंड कि ही इज अ वेरी लॉयल पर्सन, और आपको आप लोगों ने शो भी देखा होगा मैंने एक मग पे उनका नाम भी लिखा था, एंड फिर जब इनकी बाहर की दोस्त घर के अंदर आई तो मैंने कहीं ना कहीं फील किया कि वो अपनी दोस्त के होते हुए मुझ में एक डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया है, एक डिसरिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी है, जो मैं एज एन इंडिविजुअल आई डोंट थिंक कि मैंने कभी लाइफ में ऐसी डिसरिस्पेक्ट फील करी है, फिर भी मैं अंडरस्टैंड करती थी क्योंकि रियली आई यूज टू फील वेरी स्ट्रांगली फॉर हिम कि यार ये मेरा दोस्त है, और मैं बहुत जज्बात में आ जाती थी, तो चाहे जितनी भी लड़ाई हो रही हो व्हेन ही इज फीलिंग लो या मुझे कुछ गलत दिखता है उस गर्ल के पॉइंट के हिसाब से, तो मेरे बाकी जो दोस्त होते थे वो कहते थे तो पलट जाती है, पर वो पलटती नहीं थी, वो मेरे जज्बात थे, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उन्होंने वो चीज़ को कभी एक्नॉलेज नहीं किया। इवन सर ने, सलमान सर ने बोला कि आपकी दोस्त आई तो आप कहीं ना कहीं अपनी दूसरी दोस्त को कैसे भूल गए, उसके जज्बात कैसे भूल गए, बट ही वॉज अभी भी आप देख रहे हैं वो एक्शंस वैक्शंस कर रहे होंगे, तो ये उनका तरीका रहा है, एंड तो भी आपको याद नहीं रहा कि आपके दोस्त के वो जज्बात क्या थे जो आपको पता था कि हमेशा से बहुत सेंसिटिव रही है, जिसने बाहर भी अपने पेरेंट्स के ओपिनियन या अपनी फैमिली के ओपिनियन से वो लड़की रही है, शी इज़ अ फैमिली गर्ल, और अब जाके जब उनकी दोस्त वापस आती है शी गॉट अ फूड पॉइजनिंग, उससे एक रात पहले भी आप एक कह रहे थे कि मन्नारा यू नो वी आर स्टिल फ्रेंड्स, तो मैं फिर जज्बात में आ गई, उसके बाद आपकी दोस्त आई आपके फिर जज्बात बदल गए, अब वो दोस्त चली गई तो फिर आप दोस्ती क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आई एम नॉट अ डॉल आई एम ऑल्सो अ रिस्पेक्टेबल गर्ल, अ रिस्पेक्टेबल वुमेन ऑफ द सोसाइटी, एंड मैं एक डॉल नहीं हूँ कि बस चाबी घुमाई और वो वापस से पहले जैसी हो गई, मैं किसी की चमची नहीं हूँ, मैं किसी की एक दोस्त हूँ, किसी की शो में साथी बन सकती हूँ, किसी की शो में बडी बन सकती हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं वो चाबी वाली लड़की नहीं हूँ कि अभी तुमने डिसरिस्पेक्ट कर दिया और अब तुम पूरी रिस्पेक्ट फील कर रहे हो, एंड जो भी मैंने वर्ड्स बोले अगर आपको कैरेक्टर पे लगते हैं या कुछ भी लगते हैं वो मैंने जेन्युइनली फील किया और वो बोले, एंड आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड विच आई सेड, आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट जी, बिकॉज मैं किसी के कैरेक्टर पे इस तरह नहीं जाती अदरवाइज जी। सबसे पहले मैं आंसर देना चाहूंगी आपके पहले सवाल का जिसमें आपने पूछा विक्की और मन्नारा का रिलेशनशिप जो हम दोनों इक्वली शेयर करते, तो ऐसा है नहीं, हम इक्वली शेयर कर भी नहीं सकते क्योंकि विक्की मेरे हस्बैंड है और उनसे कई कई ज्यादा बड़ा रिश्ता मेरा है। एग्जैक्टली तो मैं वही आना चाहूंगी, तो पहले जब स्टार्ट हुआ था ये जर्नी उसमें मन्नारा कहीं थी नहीं बेसिकली हमारी लाइफ में, मन्नारा एक अलग
तरीके का अलग कुछ किसी और के साथ थी, हमारे पार्ट मतलब हमारे जो ग्रुप में वो कोई हिस्सा नहीं था उसका। सडनली जब इनके रिश्ते टूटने लग गए मुनव्वर से और बाकी लोगों से, तो उनका एक झुकाव इस तरफ आया, जिसमें विक्की ने अपना, विक्की हमेशा हर जगह जाते हैं आप सबको पता है अपना इनपुट देने, तो वहां पर भी विक्की थे। और तब मनारा ने मनारा और विक्की की दोस्ती, जो सो कॉल्ड दोस्ती है, वो चालू हुई। और उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, क्योंकि मनारा और मेरा बहुत अपना एक झगड़ा ऑलरेडी चल रहा था, और मुझे ऑन एज अ वाइफ मुझे लगा कि विक्की को उससे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि विक्की मेरा हस्बैंड है और अगर मेरा और उसका पंगा है तो नहीं। दिस इज मी एज मैं, आप बोल सकते हैं पजेसिव, आप बोल सकते हैं इनसिक्योर, जो समझना है जिसको समझे, लेकिन मैंने अपने लिए एक ये स्टैंड लिया। लेकिन यस, मुझे ऐसा एक गलत तरीके का रिश्ता कभी भी विक्की और मनारा के लिए नहीं लगा, ऑफकोर्स, क्योंकि वो विक्की को भैया भाई जो भी बोलती थी। बट हाँ, कहीं कहीं मुझे चीजें लगी, मुझे लगता था कि मनारा कहीं ना कहीं मुझे चिढ़ा रही है उस चीज की वजह से, जो मैंने फील किया है बहुत बार, क्योंकि मनारा का एक तरीका रहा है, अगर समर्थ और ईशा दो एक कपल है और अगर ईशा से जमती नहीं है तो वो समर्थ को जरूर अपनी दोस्त बनाएंगी, ये मनारा रही है। और मेरे मैटर में भी पहले भी ये हुआ है, जब अंकिता से नहीं जमती, विक्की भाई विक्की भाई विक्की भाई करके उन्होंने बात की है, और ये मुझे कहीं ना कहीं मुझे दिखता था और ये मुझे फील होता था। और मैं विक्की से, क्योंकि विक्की का एक इंडिविजुअल गेम है और उन्होंने हमेशा मुझे बोला है मेरी इंडिविजुअलिटी, आप मेरे को अपने तरीके से दोस्त बनाने दीजिए, क्योंकि आपके दोस्तियों में मैं नहीं आता, एंड आई अंडरस्टूड दैट। बट मैं कहीं ना कहीं विक्की को समझा नहीं पा रही थी कि विक्की वो चिढ़ा रही है, वो तेरा इस्तेमाल कर रही है कहीं ना कहीं मुझे पोक करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट्स हर्टफुल, क्योंकि आप ना, मेरा और मनारा का कभी दुश्मनी इतना था नहीं जितना मनारा ने उसे बड़ा बना दिया। हमेशा इन्होंने मेरे बारे में बुरी बातें की है पीछे, जबकि मेरे अंदर कभी इनके लिए इतना था नहीं, लेकिन आज इस स्टेज पर है कि मैं इतनी भर गई हूँ शायद मनारा से, यू नो, अब कभी भी हम कम भी करते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं वो वापस आ जाता है। लेकिन आज ये सवाल उठा है तो वो एक यही रीजन था कि कहीं ना कहीं वो चीज बढ़ती गई और मुझे फील हुआ कि वो एक उनका तरीका था चिढ़ाने का मुझे, और इस वजह से आज वो इस स्टेज पर है। So guys, और दूसरी बात ये है कि जहाँ मेरी दोस्तियों पर सवाल उठा है, चाहे वो विक्की हो या मुनव्वर हो, मुन्ना से मेरा हमेशा डे वन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैंने फील किया है। मैंने हमेशा उस चीज की रिस्पेक्ट रखी है, मैंने हमेशा अपने नेचर को जानते हुए मुन्ना से हमेशा, मैंने खुद उससे बोला था, मुन्ना मैं एक स्टेप बैक लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है आई एम दैट गर्ल कि मैं बहुत एक्सपेक्ट करने लगती हूँ लोगों से, दोस्तियों में, प्यार में, फ्रेंडशिप में, बॉन्ड्स में, आई नो दिस फॉर श्योर। तो मैं नहीं चाहती कि कल को मनारा और मुन्ना का एक इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था जो मैं देख सकती थी, मुझे वो थर्ड व्हील बनकर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी थी। एंड दैट, क्योंकि हमारी दोस्ती ऐसा नहीं तो बहुत हो गई थी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाती। I took a mature decision for myself and I took a step back, और जो कि मैंने अच्छा किया वो किया, क्योंकि जब एक टाइम आया जब मुन्ना सच में बहुत लो था ना, तब on a humanity basis I felt I should be there for him, क्योंकि ये जो दोस्त थे ना उसके वो कोई नहीं थे उस टाइम पे, तो मैं सिर्फ मुन्ना के पास उस अंकिता के अंकिता बनकर गई थी, जिससे मुन्ना से एक रिश्ता रखा था, जिसने genuinely मुन्ना के लिए फील किया, और मैं अपने लास्ट डे तक मुन्ना के लिए फील करूंगी, ये मैं आज भी कहती हूँ। यस, हमारा झगड़ा हुआ बहुत टाइम से, हमारे बीच में बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मुन्ना का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया है मेरे लिए। मुन्ना जब, जैसे अभिषेक और मनारा वापस आया, आई स्टार्टेड फीलिंग कि अरे अभी तक तो मेरा दोस्त था मुन्ना, अब कहाँ चला गया, पहले मेरे लिए चाय, बहुत अलग बॉन्ड हो गया था सडनली, यू नो, जब इतना बड़ा मैटर हुआ, ही केम एंड ही सेड सॉरी टू मी, मतलब आप मुझे मत सॉरी बोलिए, आप सॉरी उनको बोलिए जिनके लिए, जिनसे यू नो आपकी प्रॉब्लम हुई है, यू नो, बट ही गेव मी दैट रिस्पेक्ट, उन्होंने मुझे वापस दोस्त बनाया, तो मेरी एक्सपेक्टेशन जागी, वरना मैं तो खत्म कर चुकी थी, यू नो, मेरे अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी, लेकिन एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी थी जैसा मुन्ना उन 15 दिन में था ना, बस उतना वैसा रह जाए, बट कहीं ना कहीं मुन्ना मेरे लिए बदल गया और मेरे को वो हर्ट हुआ। बट उसके बाद यू नो मैंने कोशिश की मुन्ना से बात करने की, लेकिन मेरा शायद वो हो नहीं पाया। तो जब हमारा झगड़ा हुआ उसमें मनारा आई और मनारा अड़ी रही, तो मैं मुन्ना से एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुन्ना बोले मनारा को, मनारा तो हर्ट, मुझे अंकिता से बात करने दे, बट उसने ये बोला नहीं और मुझे लगा कि यहां मुझे हर्ट हुई, और तब से शायद वो बहुत फेस पर आ गया, विच आई डिडंट लाइक पर्सनली, बिकॉज मुझे मुन्ना से कोई चीज यहाँ पर गंदी करके नहीं जाना चाहती, ये मैं जेन्युइनली फील करती हूँ। इसीलिए यू नो आई थिंक हम कहीं एक उस लेवल पर है अभी जहाँ हम हंस के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एंड वी होप कि ये चीजें बाहर जाके सुलझ जाए। हाय गाइस, माय नेम इज उर्मिन और मैं बॉलीवुड हंगामा से हूँ। मेरा सवाल अंकिता आपके लिए है, आपने भी थोड़ी देर पहले कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, पोजेसिवनेस, फिर इनसिक्योरिटी। मेरे ख्याल से शादी में ये जो शब्द है वो वन साइडेड नहीं होते हैं, वो तब आते हैं जब
दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होता है, शायद एक पार्टनर साथ ना दे, क्या आपको ऐसा लगता है कि अपने गेम को खेलने के जो जिद है उसमें विक्की जो है वो अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो नहीं निभा पा रहे हैं, और शायद इसीलिए ये जो शब्द है ये आप में नेचुरली आ रहे हैं? आई थिंक मेरा एक नेचर है, ओके, ऐसा नहीं, मैं बाहर भी बहुत पॉजिटिव हूँ विक्की के लिए, और विक्की भी पॉजिटिव है मेरे लिए, क्योंकि हम दोनों ऐसा कपल है जहाँ हम एक दूसरे से बहुत, हम दोनों ही एक दूसरे का वर्ल्ड है, तो जब हम इस घर में आए ना तो बहुत सारे लोग, नए नए लोग जुड़ गए, एंड आई अंडरस्टूड कि ठीक है विक्की को गेम खेलना है क्योंकि वो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ, बट थोड़े टाइम बाद ऑफकोर्स मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इंपॉर्टेंस की जहां बात आती है ना, विक्की का एक नेचर है जहां कोई तीसरा अगर खड़ा होगा और मैं और विक्की खड़े होंगे तो विक्की उस इंसान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, नॉट फॉर एनीथिंग बट टू मेक देम यू नो फील स्पेशल, क्योंकि वो बाहर के लोग हैं, मैं तो समझ जाऊंगी विक्की का नेचर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए यू नो बैकफायर कर गई, और मैं ये नहीं बोलूंगी विक्की ने कभी कोई कमी रखी है, लेकिन यस इस घर में आके कई बदलाव मुझ में भी आए और कई बदलाव विक्की में भी आए, तो ये वन ऑफ द बदलाव था। मेरा नाम नयनदीप है, मैं गलाटा इंडिया से हूँ, और मेरा सवाल एक्चुअली पहले आप चारों से है, विक्की, अंकिता, अभिषेक और मुनावर, आप लोगों को लगता है कि मनारा आपकी दोस्त है? नहीं। आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। आपको लगता है? कभी-कभी। अभी एक सवाल में आपने बोला कि मैं एक बहुत रिस्पेक्टेबल गर्ल हूँ, ऑफ कोर्स आप हो, बट रिस्पेक्ट पाने के लिए ना रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने किसी भी औरत की इज्जत नहीं की है, ओके, आपने रिंकू जी को भी नाम से बुलाया है, आपने जिग्ना जी को भी नाम से बुलाया है, आपने ईशा को भी कैरेक्टर असैसिनेट किया है, आपने अंकिता के बॉडी फीचर्स पे, उनके काम पे कमेंट किया है, और बाकी हाँ जी किया है कि क्या करके आई है यहाँ पे बैठ के, काम नहीं मिलेगा जी, बताओ खानजादी के बारे में बोला, वही मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे बैठ के आपने खानजादी के बाद झगड़ा होने के बाद आपने बोला है, यहाँ आप रोते रोते बोलियो कि यहाँ मेरे जैसे लड़कियां नहीं आती, यहाँ पे बीप टाइप की लड़कियां आती है, ये शो बीप टाइप की लड़कियों के लिए है, सबको दिखेगा वो, तो आप मेरे को एक चीज बताइए, उसके बाद आप उनको इनसिक्योर बोलती हो, सबको इनसिक्योर बोलते हो, आप तो अपने खुद के दोस्त के नहीं हो, आपने मुनावर के प्राइवेट लाइफ का, आयशा आने से बहुत पहले उनके डिवोर्स का, उनके बच्चे होने का बहुत बड़ा तमाशा बनाया लोगों के सामने, यस ऑफ कोर्स यू ब्रॉट इट अप, एंड आपने वहां पे अनुराग ने किया था, जो भी आप थी और आपने कमेंट भी किया है उस पे, अनुराग अभी है नहीं तो उनको पूछ नहीं सकते, जब आपके और मुनावर के बीच में कोई तनाव नहीं था, तो आप मेरे को बताइए जब आपने किसी के साथ दोस्ती उस हिसाब से नहीं निभाया, आप एक्सपेक्टेशन कैसे रखती हो कि सब आपसे, सब आपको नॉमिनेट ना करे, और आप विक्टिम प्ले करती हो बट आप खुद विक्टिमाइज बाकी सबको कर चुकी हो? ओके, हो सकता है कि मैंने सबको विक्टिमाइज किया हो, और हो सकता है कि शो में मेरा परसेप्शन आ रहा हो, तो देन इफ समथिंग लाइक दैट इज देयर, मैं उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, आई विल बी अपोलोजेटिक अबाउट इट, बिकॉज अगर वो ऐसा गया है बाहर तो आई वुड नॉट लाइक टू डिफेंड माई सेल्फ, बिकॉज आई एम एनी हाउ आई फील उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मैं वर्ड्स के साथ, आई कैन ओनली अपोलोजाइज फॉर दैट, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा, जो मेरे को लगा, मैं आई विल से कि मैंने वो बोला, जो भी मैंने बोला वो अपनी फील से बोला, एंड हाँ आई वुड से कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं बहुत दिल से कनेक्टेड हो गई हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशंस वैसी रही हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरे हिसाब से फुलफिल ना हुई हूँ तो मैंने वो वैसा बोला हूँ, बट अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ लग रहा है एंड अगर मैं इतनी गलत दिख रही हूँ देन आई कैन ओनली फील सॉरी फॉर माई सेल्फ एंड आई कैन अपोलोजाइज टू एवरी वन। और जब विक्की भाई से मेरी बहुत बातें होने लग गई, सो एज अ रिस्पेक्ट मुझे था कि अब मैं अंकिता जी से भी यू नो लाइक जो भी है आई शुड सिट विद हर। मैंने उनको यहाँ बैठ के भी बोला कि आप सोचो कि आप सबके साथ एक घर में लॉक हो गए हो, यू नो आप सबके साथ एक ऐसा आपने पैकेज बुक करा लिया जब ग्रुप के हनीमून पे हो और समथिंग, बट स्टिल आई थिंक थिंग्स वर नॉट फाइन। मेरी सिस्टर भी आई, मेरी सिस्टर ने भी समझाया, लाइक बोला विक्की भाई को कि यू नो वी ट्रीट यू लाइक आर ब्रदर जो दिल्ली में रहते हैं एंड वी कनेक्ट टू यू लाइक दैट। मनारा का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा, प्रॉब्लम उस इंटेंशन की तरफ नहीं था ज्यादा जितना चिढ़ाने पर था, ये मैं फील कर सकती हर मौके पर। विक्की भाई मुझे कैसे बुलाते हैं वैसे बुलाई, इट हर्ट्स, इट डेफिनेटली एज अ वाइफ इट हर्ट्स, इट्स नॉट अ जोक,
इट मे बी अ जोक फॉर हर फॉर नॉट फॉर मी, मेरा रिश्ता है यहाँ पर. और ऑफ कोर्स आपने मुझे इनसिक्योर बोला, मैं आपको इसके लिए गलत नहीं बोलती, ये मेरी गलती है क्योंकि ये मैंने दिखाई शायद इनसिक्योरिटी, बट मैंने वो इसलिए दिखाई क्योंकि मुझे फील हुआ. और ये जब मैं ऐसी ही हूँ, अगर मुझे कोई चीज फील होती है मैं 10 दिन बाद नहीं बोलती हूँ, मैं तब के तब तुरंत बोली हूँ. लेकिन आप अगर थोड़ी मच्योर होती ना, आप समझती कि एक कपल के बीच में अगर मैं प्रॉब्लम कर रही हूँ ना, तो मैं उनको यस आपने बोली. जैसे मुझे लगा मुनव्वर और मनारा की एक दोस्ती है, मेरी वजह से अगर वो थोड़ी सी भी बिगड़ रही ना, आई टुक अ स्टेप बैक. और उसके बाद मुंह बनाती हुई टॉन्ट मारती हुई मुनव्वर को नहीं फिर रही थी, मैंने दिया उतना मौका उतनी स्पेस मुनव्वर को. फिर आपने क्या कि अभी भी आप चिढ़ाती हो, अभी भी आप कॉफी पे जाएंगे काला घोड़ा पे मिलेंगे, आप क्या तो अंकिता जी ने बोला आप दोनों आप में हमारे बीच में आग मत लगाइए, तो मेरे को बहुत थोड़ा सा शर्म आ गया और मुझे लगा कि यार मैं लिटरली यहाँ पे आई हूँ और मैं बात कर रही हूँ, मैंने क्या आग लगाई और मैं बाहर आ गई, मेरे को बहुत ऑकवर्ड फील हुआ. जैसे आई सेड आई एम नॉट अ डॉल कि मैं बात एकदम करने लग जाऊँ और चुप हो जाऊँ. एंड विक्की भैया आए और उन्होंने बोला यू नो मनारा आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन आई कैन मैनेज एवरीथिंग, बट अपने दोस्त पे ट्रस्ट रखो. सना के टाइम मैंने वो नहीं रखा, बट तुम्हारे लिए आई वुड से आई विल टेक स्टैंड. व्हाट सना के लिए नहीं रखा? सना की दोस्ती जो भी थी विक्की से, आई थिंक आई वॉज वेरी वेरी ओके विद दैट. अगर एक इंसिडेंट बार बार बोला है, हाथ पकड़ने का आता है, मैंने एक बार भी रिएक्शन नहीं दिया. क्यों नहीं दिया? क्योंकि सना ने मुझे चिढ़ाया नहीं. There was no chidhana. Ankita ji, I really no, was not trying. No, you try. You perceive it, and I'm apologizing. Manara, आप बहुत smart हो. आप दिखाती हो, आपको नहीं पता. लेकिन आप ये करती हो. Unintentionally करती होगी शायद आपके हिसाब से. तो अगर मैंने किया तो विक्की भाई ने क्यों नहीं मना किया? विक्की तो अब मुझे नहीं पता. ये मेरी problem है. विक्की क्यों नहीं मना कर रहा है? समझाओ. बताइए. देखो ये बात एक्चुअली अभी पता चल रही है और ये ऐसे अगर टीवी पे आई है तो भैया ने क्यों नहीं मना किया? मैं तो भैया ही हूँ. ये विक्की का, ये विक्की को आंसर देना चाहिए. मैं तो यही बोल रही हूँ, विक्की को बोल रही हूँ. तू बोल विक्की, तुझे दिख रहा है अगर ये, तो तू बोल. अगर अगर और अगर मुन्ना और मेरी दोस्ती पे सवाल उठाए जाएंगे तो मैं आंसरेबल हूँ इस चीज की. मैं बोलूंगी मुन्ना डोंट I don't like it. अगर तो ये विक्की को आंसर देना चाहिए. If he thinks it's a problem for us, and आपको चूज करना पड़ेगा आपके लिए प्रायोरिटी कौन सा है. मैंने अगर मेरे मुन्ना अगर विक्की को पसंद नहीं आया एक दिन, जब वो पजेसिव हो गए और उन्होंने बोला कि आप स्टैंड मत लीजिए मेरी बीवी के लिए, मैंने तुरंत मुन्ना को एक चीज बोली थी कि मुन्ना आप स्टैंड मत लो. सो दैट वॉज मी. सो आई होप कि विक्की इस चीज का आंसर दे. हाँ बताओ, मैंने अगर अंकिता से कहना चाहूंगा. अंकिता जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो सवाल उठा था वो विक्की और मनारा की दोस्ती पे था, तो विक्की को ही जवाब देना चाहिए था. आगे पूछ लीजिए. अगर विक्की नहीं तो मनारा जवाब देती, लेकिन सिर्फ उन दोनों को ही जवाब देना चाहिए था. क्या उन दोनों को मौका मिला जवाब देने का? अगला सवाल मुनव्वर, अंकिता की बातें सुनकर आपको क्यों हंसी आ रही है? नहीं, कुछ वो मन्ना मन्ना वाला एक पंच लाइन आया थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा हंसा. आप देख रहे हो? ऑफ कोर्स सीजन का पूरा रिकैप जो दिख रहा है यहाँ पे. वही बिग बॉस, कब से वही बोल रहा हूँ यार. एपिसोड बस सुनाओ इनको, जरा कट कट करके फटाफट. प्रॉब्लम यही है, सवालों के सीधे जवाब नहीं आ रहे हैं, पूरे सीजन का रिकैप दिया जा रहा है यहाँ पे. देखो बिग बॉस, आपकी एक लाइन याद है, कहानी मत सुना रीजन बता. तब भी तूने कहानी सुनाई थी. तू सुना रहा था इसलिए बोला था बिग बॉस ने. Hi, this is Sana from India Today. अंकिता, जैसे कि अभी आप कह रहे हो कि झगड़े काफ़ी हुए हैं, ऑफकोर्स झगड़े हुए हर कपल में होता है, बट आप लोगों की वजह से फैंस को मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग, रेड फ्लैग, इनसिक्योरिटी, ये सारे वर्ड्स एक्चुअली पता चल गए हैं. एंड अंकिता, जिस तरह से आप इतनी अपोलोजेटिक हो जाती है अपनी किसी भी इमोशंस को लेकर, वो क्यों होती है? और इसका रीज़न ये है कि इनसिक्योर आप इसलिए है क्योंकि पास्ट में जो शायद आपके साथ हुआ है, आप एक और रिश्ता नहीं खोना चाहती है. जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक्सपीरियंस की वजह से कहीं ना कहीं आप वो लेकर चल रहे हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, नॉट एट ऑल. बट येस ऑफकोर्स मुझे है अपने लोगों को खोने का डर. और विक्की मेरे लाइफ का एक
सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. ऑफकोर्स आई मीन उस वजह से कहीं ना कहीं मैं विकी को भी हमेशा इसलिए सॉरी बोलती हूँ कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं वो तुझ पे आती है चीज़, क्योंकि मेरे साथ जो इंसिडेंट, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, जो भी मेरे पास में हुआ है वो मैं बैगेज कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर चल रही हूँ, और उस वजह से वो विकी पे भी असर आ जाता है. एंड आई अगेन यू नो आई रियली फील बैड फॉर हिम, क्योंकि मेरे उस नेचर की वजह से वो उसको बहुत अफेक्ट करता है. तो यस, हेलो एवरीवन, मेरा नाम विजया तिवारी है, मैं ई टाइम से हूँ. मेरा सवाल मुनव्वर आपके लिए है. मुनव्वर, आपकी ज़िंदगी में आपके जो रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, वो इतने हल्के क्यों हैं, इतने फीके क्यों हैं, या फिर आपने कभी अपने ज़िंदगी में रिश्ते संभालना सीखा ही नहीं? बाहर की लड़कियों का तो मुझे नहीं पता, बट इस शो में भी अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो लड़कियों के कंधों का सहारा लेकर, जब भी आपसे आपको अंकिता की दोस्ती करने का मन किया तो अंकिता से दोस्ती कर ली, एक हफ्ते पहले बोल दिया कि अंकिता ही है जिस पे मैं पूरा भरोसा करता हूँ, फिर अंकिता के ऊपर कीचड़ डाल के, अंकिता के ऊपर कभी कचरा डाल के उनको कटघरे में भी खड़ा कर दिया, उनकी दोस्तियों को ठोकर मार दिया. जब भी मनारा को जलाने की बारी आई तो अंकिता के करीब हो गए, जब अंकिता को जलाने की बारी आई तो मनारा के करीब हो गए, मनारा ने दोस्ती दिखाई तो मनारा को सहला पुचकार कर, प्यार से समझा कर, गेम की स्ट्रैटेजी समझा कर उनको आगे लेकर गए, जब आयशा आ गई तो मनारा से भी दरकिनार कर दिया, आयशा को लेकर आगे बढ़े. तो क्या ये कह सकते हैं कि आपने अभी तक इतने जिंदगी में उतार चढ़ाव देखने के बावजूद रिश्ते संभालना नहीं सीखा और लड़कियों का ही इस्तेमाल करके आप आगे बढ़े हैं? आपका जो सवाल था उसका थोड़ा टाइमलाइन इधर उधर हो गया आपका, कि मैंने अंकिता के बारे में बोला कि सिर्फ अंकिता जिस पे मैं भरोसा करना चाहूंगा, और उसके बाद आपने बोला उन पे कीचड़ डाला, डस्टबिन में खड़ा कर दिया, वो पहले की बात है. वो डस्टबिन और कचरा वो साउंड ऐसा करता है कि वो भाई मैंने क्या ही कर दिया, बट वो टाइमलाइन बहुत मैटर करता है. तो उसके बाद मैं उनके पास, जब जो मटका डालने वाली कचरा वाली बात थी, उसके बाद मैंने उनसे बात कर ली थी, हमारा सॉर्ट हो गया था. एंड उसके बाद मैं उनके लिए खड़ा था. बहुत ही क्लियरली एक मोमेंट आया जब मुझे पता चला कि मेरा उनके लिए स्टैंड लेना कहीं ना कहीं विक्की भाई को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है. और मैंने उन दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं बोला. उसका रीज़न ही ये है कि मैं समझता हूँ कि ये कितनी सेंसिटिव चीज़ है, इसके बारे में ना बोलना चाहिए ना कहना चाहिए. रही बात मनारा की, कि मनारा का मैंने सहारा लिया है, तो पूरा सब लोग जानते हैं कि मैंने कोई सहारा नहीं लिया मनारा को, हमेशा मैंने मोटिवेट किया है, हमेशा पुश किया अच्छे गेम के लिए. और औरतों का सहारा आप जो बोल रहे हो गेम में, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं था औरतों का सहारा. डेफिनेटली अंकिता की तरफ से भी मेरी तरफ से दोस्ती थी, हमारी दोस्ती थी. और यहाँ पे आप जब रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की, एक दूसरे को खटकती है, जिसकी वजह से ये रीज़न होता है. अभिषेक मेरा दोस्त रहा है, रिंकू जी और जिग्ना जी जाते जाते और रहने तक भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे. और मनारा की जब तक आप बात करें तो मनारा का यही बोलूँगा कि ज़बान, जो ज़बान होती है ना, इंसान जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो अपनी ज़बान से जो आपको जो हर्ट करती है ना, वो इस हद तक लगता है कि मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता. आप बोल रहे हो औरतों का कंधे पे ले लेके गया, औरतों को रिस्पेक्ट दी है मैंने डेफिनेटली. और अगर खेल कर छोड़ना होता मैं हमेशा डिसरिस्पेक्ट करता. मेरी यहाँ पे किसी लड़की से अगर नहीं भी बनी दोस्ती, दुश्मनी में भी तब्दील हुई है, मैं कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी उनसे कि अब मेरा काम हो गया तो आप मेरे लिए वैल्यू नहीं रखते, मैंने कभी नहीं किया. तो मैंने इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा. और रही बात सिर्फ लड़कियों से दोस्ती, नहीं नहीं, मेरी यहाँ पे विक्की भाई से भी बहुत अच्छी पहले दोस्ती थी, अभिषेक से भी दोस्ती थी. तो बहुत ही हर तरफ का मेरा एक दोस्ती का वो रहता है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहा कि मैंने यहाँ पे लड़कियों के कंधे पे रह के. अंकिता के साथ आपकी दोस्ती एक टास्क के लिए इतनी हल्की थी कि बिखर गई, बिल्कुल. मैं और फिर ताना भी मारा आपने. ये क्वेश्चन आपका वहाँ होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक टास्क किया और टास्क में मैंने उन्हें कहीं हर्ट नहीं किया. एक हमारे पास एक सिचुएशन आई, बिग बॉस ने एक डिसीजन बोला और हमने एक डिसीजन लिया. मैंने उनको कहीं अपने लफ्जों से और अपनी बातों से कहीं हर्ट नहीं किया था. उनको ज्यादा हर्ट हो गया था क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशंस बहुत थी मुझसे, मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी. मेरा हर्ट टास्क की वजह से. मैं आंसर कंप्लीट कर दूं. Exactly. हाँ, यस, तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने उनका इतना कुछ नहीं बिगाड़ा गेम के पर्सपेक्टिव से अगर देखे तो, कि मैंने, मेरी दोस्ती इतनी कमजोर थी, कुछ चीज उनकी साइड से ही कम होने लगी, साइड होने लगी. मेरा मुन्ना की तरफ से दोस्ती स्ट्रॉन्गली मुन्ना हमेशा टेक रहा है दोस्तियों को
लेकर अगर मुन्ना से मैं बोलती मैं स्टेप बैक ले रही हूँ तो मुन्ना ये बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं दैट्स योर कॉल. अगर उस दिन मनारा सामने खड़ी थी और मैं मुन्नावर से एक्सपेक्ट कर रही थी मुन्ना मुन्ना नहीं बोले वही मैं बोल रहा हूँ एक झगड़ा चल रहा है जिसके अंदर चार लोग ओवरलैप कर रहे हैं और ये उनसे मेरी बात हो रही है बट इनको ये है कि तू अगर मैं होती और मुन्नारा को हटा तो मैं डेफिनेटली विकी होती विकी हट मुझे मुन्ना से बात करनी है ये मेरी दोस्ती है दैट्स योर प्रॉब्लम विद मनारा दैट यू आर नो मुन्ना आई वांटेड टू टॉक टू यू आपने जब किया ना तो मैं मेरे को आपके जीतने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है. मैं हमेशा मैंने बोला विकी को आई विश कि मैं जाकर उसे बोल पाती बट मेरा डेफिनेटली हर्ट ये था कि मुन्ना ने फिर से मेरे लिए कोई स्टेप नहीं लिया. मुन्ना ने फिर से मेरे बिकॉज आपने ही बोला कि मुन्ना मेरे लिए कोई स्टेप मत लेना विकी को बुरा लगता है. यार मुन्ना मैं आपसे बात कर रही थी आपको मैंने ये बोला था मेरे और विकी के बीच में मत बोलिए बट मुझसे हट जाएंगे क्या बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज. ठीक है मुन्ना मेरे को इसमें मेरा सिर्फ हर्ट ये था कि मुन्ना ने मेरे मुझे जब मनारा खड़ी थी तो मनारा को हटाया नहीं और बोला बाद में बात करेंगे. उसके बाद हमारा टास्क चल रहा था हमारे मसाले थे एंड वी हैड टू प्रोटेक्ट इट्स ओके मनारा आई दोस्त की बारी थी उन्होंने ऐसी एक लाइन बोल दी व्हिच वाज लिटरली ऑन माय कैरेक्टर एंड एवरीथिंग. नो सलमान सर ने आई ड्रेस करी शो में कल भी कल आपने अगर हो गया अभी वो आपका काम नहीं है वो बट दिस वाज रियली बैड या प्लीज वॉच योर लास्ट एपिसोड. अभिषेक आप पूरे टास्क में हमेशा कहते नजर आए कि पर्सनल मत जाओ पर्सनल मत जाओ पर्सनल मत जाओ. कब हर जब भी कब बोला मैं तो बहुत पर्सनल कोई बात नहीं आपको याद नहीं होगा मैं अरे क्वेश्चन ही नहीं है मैंने बोला ही नहीं. लेकिन जब भी आप गए हैं लोगों के ऊपर जब भी आप गए हैं लोगों के ऊपर पर्सनल गए हैं. अरे मैं जाता हूं अंकिता के साथ लड़ाई होती है सॉरी विकी के साथ लड़ाई होती है आप अंकिता को ड्रैग करके लेके आ जाते कि तेरी तेरे को और तेरी बीवी को मैं वो शब्द बोलना भी नहीं चाहती क्योंकि मेरे घर पे. अरे वो इन्होंने खुद ही बोल दिया था अगले दिन लेकिन आपको हक नहीं बनता ना कि आप किसी क्या उसका मतलब ही वो नहीं है. वो तो सलमान सर भी कई बार बोल चुके हैं और इन्होंने कितनी बार बोला है और हम न्यूज में भी कई बार सुनते रहते हैं उसका. आपके मेंटल हेल्थ के बारे में जब बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया हम सबको बुरा लगा लेकिन आप ही थे जिसने खानजादी के भी मेंटल हेल्थ का इतना मजाक बनाया था तब आपको वो बातें क्यों नहीं याद आई कि आप भी किसी के मेंटल हेल्थ का मजाक बना. एक बार में तीन क्वेश्चंस पूछ गए बट मैं आंसर देता हूँ. नहीं तो आपको बुरा क्यों लगा? जी मैं आंसर देता हूँ. पहली बात तो खान साधी ने वो चीज खुद बताई थी और वो सिर्फ मैंने वो टास्क में यूज करी थी जो भी था बट मैंने उसको यूज उस वे में नहीं किया था कि तू ये हो गया था वो क्योंकि उसने झूठ बोला था. वो जब मेडिकल रूम में गई थी उसने बाहर आके मेरे को बोला था कि मेरी पुरानी मेडिकेशन स्टार्ट हो रही है और शायद मैं दोबारा से व्हीलचेयर पे बैठ सकती हूँ ये डॉक्टर ने मुझे कहा है और शायद मैं इस घर से वापिस भी जा सकती हूँ. तो मैं डर गया. मैंने कहा यार इतना तू धीरे से गिरी इतनी पुरानी मतलब इतनी तू हर्ट कैसे हो सकती है. फिर अगले दिन बिग बॉस ने ऑफलाइन स्टेटमेंट दी कि डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं. तब मेरे को लगा कि यार ये इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है. तो मेरे मन में वो चीज थी कि यार ये झूठ बोल रही है और झूठ से ही हमारा एक रिलेशन स्टार्ट हुआ था जो उसने ब्रेकिंग न्यूज में बोला था कि मैं मेरा दिल अभिषेक के लिए धड़क रहा है और उसने जब वो टास्क हार गई थी उसके बाद उसने बोला था कि मैं झूठ बोल रही थी. तो मेरे मन में उसके लिए हमेशा ये था कि झूठ 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 लेके चल रही है. जैसे कई बार हम बैठे होते थे तो मेरा हाथ पकड़ लेती थी हाथ पकड़ने के टाइम वो कैमराज को देखती तो मेरे को लगता था कि वो कैमरा के लिए ये सब कर रही है बट बाद में उसने मेरे को बोला कि मैं इसलिए देखती थी कि कैमराज तो नहीं देख रहे तो हम पकड़ लेते हैं उस वे में. तो मेरे को लगता था कि झूठ से ही हर चीजें स्टार्ट हो रही है तो मैंने इसलिए उसको उस चीज के लिए बोला. और फिर मेरी मेंटल हेल्थ पे जब बात आई तो ऑब्वियसली जब मेंटल हेल्थ पे बात आती है तो मेरे को हर्ट होता है. प्लस मैंने वो चीज यहाँ पे खुद से नहीं बोली थी ईशा ने वो चीज निकाली थी क्योंकि ईशा जब मैं ब्रेकअप जोन में था मैं मूव ऑन जोन में था तब मैंने ईशा को बोला था कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ और मैं मेंटल हेल्थ अगर आप बोल रहे हो तो मैं उस चीज़ की मेडिकेशन ले रहा हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ और हम फिर से साथ में हो जाएं. और मैंने शायद डॉक्टर का नाम भी बताया था नंबर भी बताया था हर चीज़ बताई थी कि आप पूछ सकते हो क्योंकि मुझे आप वापस चाहिए मेरी लाइफ में मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ. मैं उस वे में उसको बोल रहा था. मुझे नहीं पता था वो एक साल के बाद बिग बॉस में वो चीज़ यूज़ करेगी और जब उसने वो यूज़ करी मेंटल बोला तब मेरे को वो चीज़ इतनी हर्ट हुई कि अच्छा ये वहाँ पे इंडिकेशन दे रही है बार बार कि वहाँ पे तू जाता था वहाँ पे वो जाता था. तो मैंने बोला कि ईशा ये मत बोल यार मेरे को ये चीज़ बुरी लग रही है. तो उसने वो चीज़ का बार बार यूज़ किया. फिर उसने समर्थ को भी स्टोरी बताई समर्थ के साथ भी वो चीज़ उसने यूज़ करी.
तब जब मेरे को मैं क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ, आई थिंक अगर आप बाहर हो तो आपको पता होगा मैं सच में बहुत बड़ा क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ। अगर ये ब्लाइंड्स भी बंद होती हैं तो मेरे को क्लोस्ट्रोफोबिया फील हो रहा होता, बट मैं बोलता नहीं हूँ कि वो लगेगा कि क्यों। उस दिन गुस्से में मेरी सांस भरने लग गई थी तो क्लोस्ट्रोफोबिया मेरे को फील होने लग गया था। उस वक्त उसने जब मेंटल वाली बात बोली तो मेरा दिल कर रहा था कि वहां पे भी मैं उसको वही चीज करूँ जो मैंने वहां पे करी थी। तो इसलिए मैंने कभी मजाक नहीं उड़ाया। जब मेरा मजाक उड़ा तो मेरे को बुरा लगा, ऑब्वियसली बुरा लगता है। विक्की भाई ने भी ये क्वेश्चन बोला था तो मैंने इसका आंसर दिया था। और पहला क्वेश्चन आपका क्या था, यही था ना? नहीं नहीं, वो वाला जो आप ड्रैग करते हो। तो ये जब रिश्ते की बात कर रहे थे विक्की भाई उस दिन कि आपका रिश्ता आयशा के साथ है, आपका रिश्ता मुनावर के साथ है, तो मेरे रिश्ते गिनवाए जा रहे थे। तो इसलिए मैंने विक्की भाई का सबसे क्लोज रिश्ता गिनवाया जो थी अंकिता जी, जो कि हमारी कभी भी बनी नहीं है। मैंने कभी इनसे मेरी वाइब मैच नहीं हुई है, बहुत ट्राई करा कभी मैच नहीं हुआ। कभी हुई नहीं, मेरी हुई थी थोड़ी सी, पर इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। दिल से खेलते हैं तो इनकी हो जाती है। एग्जैक्टली, ये खेलते ही नहीं है दिल से। मैं कैसे खेलता हूँ? ये खेलते ही नहीं है, बात करिए आगे। मैं दिल से ही खेलता हूँ। किस वे में? उस वे में। तो जैसे आपके साथ खेला मैंने, तो विक्की भाई ने वो चीज, जैसे इनका रिश्ता ये मेरे रिश्ते लेके आ रहे थे तो मैंने अंकिता जी का भी रिश्ता लेके आया। और मैंने उस चीज पे बोला कि अगर आप, इन्होंने पहले बोला था कि तेरे को मैं पूरे शो में वो करूंगा, तो मैंने बोला था कि ये ऐसे करूंगा। मेरे को अभी बोलना नहीं हो कि आपको बुरा लग रहा है, मेरे को वो चीज बुरी नहीं लग रही है, बट वो वर्ड बहुत लोग कितनी बार बोलते हैं, बोलते हैं। मैं इनसे बहुत ऑब्सेस्ड हूं, हर जगह अंकिता लोखंड चाहिए। हाय गाइस, मेरा नाम अंकिता भल्ला है, मैं बॉलीवुड बबल से हूँ। मेरा सवाल पहले मुनव्वर से है। मुनव्वर, ये मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस के लिए चल रहा है इस वक्त, तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स बाहर आए और जो आपके फैंडम ने आपको एक तरह का सपोर्ट दिया है, इनफैक्ट सेलिब्रिटी सपोर्ट सिस्टम आपके लिए इतना स्ट्रांग था, क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये मुन्ना बदनाम हुआ बिग बॉस के लिए? बिग बॉस या बाहर की इन्फॉर्मेशन दे रही? आपने जो इन्फॉर्मेशन दे दी उससे मैं अवेयर नहीं था, जो आपने अभी बोला ये वो। हम हमेशा यहाँ पे जो होते हैं, और बिग बॉस ने इस बार मोहल्ले में, मैं कहता हूँ कि 3 मकान बसाए और मेरे 1-2 उजाड़ दिए। मैं ये जोक में कहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत ही एम्बेरस हूँ इस चीज को लेकर। और कहते हैं ना कि आप एम्बेरस तो हो लेकिन आप काम पे हो, कि गोली खा के, मेरा बॉस बोलता था कि बुखार है, गोली खा के काम पे आ जा। तो मैं काम पे हूँ, मैं यहाँ पे बहुत, मैं अपना मेंटली कहाँ गया था मुझे पता है, मैं सिचुएशंस को लेकर। और रियलिटी चेक की बात करते कि वो बोलते ना कि आप चाहे कहीं पर भी हो, आप सबसे इज्जत वाले मुकाम पे हो, अगर ऊपर वाला चाहे तो आपको वहाँ भी बेइज्जत कर सकता है। तो मैं एक ऐसी जगह पे एम्बेरस फील किया मैंने, और कहीं ना कहीं मुझे उससे बाहर आने के लिए मोटिवेशन भी ये बिग बॉस का नाम ही था, कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला है जो किसी को नहीं मिलता है। तो अगर मेरे नसीब में इतना बेइज्जत होना लिखा है, मेरे नसीब में बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना भी लिखा है, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो मेरी आगे की जिंदगी बेहतर करने के लिए हो रहा है। और जिस तरह दिखाई गई है चीज़ें, कहीं ना कहीं हाँ मैं गलत हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप भी अपने आप को डिफेंड करते वक्त बाहर नहीं लाना चाहते हो, इसलिए आप चुप रह जाते हो। नमस्ते सभी को, मैं आकाश हूँ नवभारत न्यूज़पेपर से। मेरा सवाल पहले मुनव्वर से है। मुनव्वर, आपने कहा कि मुन्ना मुन्ना कहकर कहीं ना कहीं पीछे के जो वॉर है उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि अंकिता या अन्य कंटेस्टेंट्स ने कहीं ना कहीं आपको हल्के में ले लिया था? एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ आप और अंकिता कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा हर्ट है, एक दूसरे के प्रति जो भी व्यवहार था आप लोगों का, आप लोग चाहेंगे उसे मेंड करना अब, क्योंकि अब जिस तरह से अब हम शो कर चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ तक अंकिता और मेरी बात है, अंकिता बहुत मैच्योर है और बहुत सेंसिटिव है, मैं उनको समझता हूँ, और उसी वजह से उनका हर्ट भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं, बट उनका भी एक सिचुएशन चल रहा है। और मैं हूँ ऐसा इंसान के कहीं ना कहीं ये चीज लाइफ में मुझे कभी कभी प्रॉब्लम भी देती है, कि मैं जाकर चीज़ों को सॉल्व करने से बेहतर वक्त देने में बिलीव करता हूँ। और कहीं ना कहीं यहाँ हम दोनों का वो जोन चलता है, बट दिल में कहीं ना कहीं एक दूसरे को बिल्कुल पता है कि इतनी खटास नहीं है और ऐसी कोई दरार नहीं है जो फिक्स ना हो सके। और रही बात हल्के में लेने की, तो नॉट अंकिता की बात नहीं है, बाकी पूरे घर वाले 9 हफ्तों तक मेरे को सब ने हल्के में लिया ही नहीं था, कोई भिड़ता ही नहीं था, कोई सामने आता ही नहीं था, कि वो फिर किसी के वो होमवर्क बोलो या जो भी बोलो, कोई आता नहीं था आड़े में अपने। लेकिन 9वें हफ्ते में जरा भाई ने बोला कि इसका ग्राफ नीचे जा रहा है, ये वो
तब के तू ठंडा दिख रहा है ये वो, और फिर वो आयशा, आयशा की एंट्री हुई, तो आयशा की एंट्री के बाद लगा, नहीं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ बाकी पूरे घर की बात कर रहा हूँ, आयशा की एंट्री बाद भी लगा कि वो कहीं मौका मिला है शेर दबाने का वगैरह, समझ रहे हो, तो उसमें थोड़ा लोगों ने वो शुरू किया हल्का फुल्का, और मैं बहुत लो था, जेन्यूनली मैं बहुत एम्बेरस था, और मैं जेन्यूनली बहुत हैप्पी हूँ सिचुएशन के लिए, अगर बाहर की दुनिया में शायद वो सिचुएशन हुई होती मैंने हैंडल कर लिया होता, यहाँ मैं जस्ट बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाया इसलिए मुझे पता चला कि मैं कितना गलत हूँ, बाहर शायद मैं रियलाइज ना होता, तो उस चक्कर में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लोगों ने थोड़ा हल्के में लिया था, और रिकवर होने टाइम लगता है, तो जब रिकवर मैं हुआ तो दो लोगों को तो दरवाज़ा दिखा दिया है, हाँ टनल दो लोगों को तो दिखा दिया है, तो बाकी का बस मजबूती से खड़े और मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ पे सब लोग ही धुरंधर ही है अभी, जैसे बिग बॉस ने बोला जेन्युइनली सब लोग धुरंधर है, तो उसके अंदर और मेहनत है, तो वही शुरू हो चुकी है दो हफ्ते से, तो मुन्ना खटक रहा। नमस्कार, मैं हूँ सरिता सिंह फीफा फूस से, और मेरा सवाल बनारा के लिए है, इतना डेस्परेशन भी अच्छा नहीं है, ये वॉनाबी है, वो बहुत वॉनाबी है, पर मनारा जहाँ से हम शो देख रहे हैं इस सीजन में सबसे ज्यादा डेस्परेट और वॉनाबी अगर कोई नजर आ रहा है तो वो मनारा है जी। okay. आपने खानजादी के कैरेक्टर पर क्या कहा, आपको याद होगा, मैं दोहराना नहीं चाहती, क्या कैरेक्टर के आगे, कैरेक्टर के आगे एक वर्ड लगाया आपने, कैरेक्टरलेस कहा। ओके okay. आपने आयशा के बारे में बहुत ऐसे आपत्तिजनक शब्द कहे, तो क्या आप भूल गई थी कि आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, या आपको लगता है ये सब अप्रोप्रिएट है कहना, अदरवाइज भी अप्रोप्रिएट है कहना, और साथ ही साथ ये भी कि आप मुनव्वर की फ्लाइट में सेफली लैंड बैठ करके आराम से और फिनाले में लैंड हो गई हैं, ऐसा भी आपको लगता है, हमें तो लगता है। ओके तो सबसे पहले आयशा से शुरू करते हैं। अभी ताली नहीं बज रही तुम लोगों की, प्लीज प्लीज स्वागत करो कंधे पे, ये तो फ्लाइट में सोचो। तो सबसे पहले आयशा से शुरू करूंगी, आपको शायद याद होगा आयशा आई थी तो मैंने उनको बहुत अच्छे से रिसीव करा था इस घर में, एंड आई रियली कनेक्टेड टू हर स्टोरी, बट अचानक से इसी गैलरी में उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जो मुझे, जिसको मैंने काइंड ऑफ अवॉइड कर दिया था, और मेरे मुंह से शब्द निकला था ओ गॉड मेरे को घर जाना है, उन्होंने मुझे कुछ डबल बेड और सिंगल बेड की बात कर दी थी, और कहा था कि आप जाके किसी के साथ डबल बेड पे सो जाइए, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा आपको, एंड मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। वीकेंड के बार पे सर ने बोला कि एक कोई गर्ल आती है जो आयशा है, और वो आके आपको टॉन्ट भी मार देती है, उसके बाद मेरी उनसे अंदर बात हुई एंड आई क्लैरिफाइड विद हर, एंड उन्होंने कहा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं आपसे बात ही करना बंद कर देती हूँ, और मैंने उन्हें बोला कि आयशा ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मुझसे बात ही करना बंद कर दो, आप उसकी फ्रेंड हो, लेट्स जी जो भी है। और जहाँ तक कैरेक्टर की बात है, आई थिंक मैंने आयशा के बारे में ये चीज़ डेफिनेटली बोली, क्योंकि ये मैंने बात मुनव्वर को भी बोली कि अगर मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो मैं शायद वेट करती हूँ उस इंसान के बाहर आने का, मैं इस तरह से एक डेस्परेट अटेम्प्ट लेके घर के अंदर नहीं आती, जस्ट किसी के कह सकते हैं किसी के शोल्डर पे, व्हाट इफ आप फेमस नहीं होते तो भी वो कदम ऐसे लेते, बिकॉज मुझे ये पता है कि मुनव्वर आप ऐसे नहीं हो, तो यही चीज़ वीकेंड के बार पे हुई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कैरेक्टर पे बात मैंने करी है, ऑफकोर्स वॉनबी मैंने उन्हें तब बोला जब उन्होंने मिर्ची के टास्क में, जहाँ पे अंकिता और ईशा थी जो हम पे थोड़ा बहुत पानी भी डाल रही थी, वेयर एज आयशा वॉज लाइक कि उसको सिर्फ मिर्ची ही डालनी थी, एंड आई वाज लाइक आयशा ऐसा मत कर, प्लीज मत कर, प्लीज अंडरस्टैंड कर, और भी लोग थे, उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग के 8 या 10 मिनट सिर्फ मुझे ही टारगेट किया, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि ये वीक है गिर जाएगी, एंड आई वाज लाइक कि मत कर, तो जैसे ही मैं नहा के आई आई वाज सो दिस, आई टोल्ड हर कि आयशा इतना भी डेस्परेशन जरूरी नहीं है शो के लिए, आप आराम से भी जा सकते हो, तो शी वाज लाइक तो क्या करती मैं, मुझे भी पहुंचना है टॉप 5 में, मुझे भी पहुंचना है। एंड देन हम लोग जस्ट बैठे थे एंड अभिषेक ने अंदर बोला कि एक हफ्ते पहले तो ये लड़की बोल रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो घर से चली भी जाऊं, और आप इसको सीधा टॉप 5 में पहुंचना है, तो दैट्स व्हेन आई सेड कि इतना भी वॉनबी बनना पसंद नहीं है। एंड देन थिंग्स एस्केलेटेड एंड शी केम टू
हेल्थ एंड एवरीथिंग एंड आई वॉज लाइक आई एम जस्ट सेइंग यहाँ पे मैं अरुण भाई के साथ बैठी थी, वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगले दिन हमारा टास्क होगा तो मैं उसके ऊपर मिर्ची शायद ना लगा पाऊँ बिकॉज शी माइट यू नो फेंट और समथिंग, और उसने भी उसको एक अलग लेवल पे ले गए एंड आई वॉज लाइक कि आप मुझसे इतना मत लड़ो दिखने के लिए, यू डोंट गो टू दैट एक्सटेंड यू नो, सो दैट वॉज माई पॉइंट अबाउट खानजादी. या मोबाइल के टाइम इसका नाम ले लिया था एंड आई वॉज लाइक कि क्या हो रहा है, एंड इवन सर ने क्या कहा था कि लाइक व्हाट डू यू थिंक मनारा और दोनों के बीच में क्या है, आई वॉज लाइक सर मुझे क्लियर तो नहीं है बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि खानजादी ने जो मोबाइल के लिए बोला और वो एक्चुअली जो दिखा रही है इट इज जस्ट प्रोबेबली शी इज नॉट रियली फीलिंग इट या इनके बीच में कुछ है कुछ नहीं है, एंड देन वी हैड अ फाइट. तो सर ने बोला आपको ये स्क्रिप्टेड लगता है, मैंने बोला हाँ किसी लेवल पे ये फुटेज और स्क्रिप्ट के लिए लगता है. सो आई थिंक इट वॉज कैरेक्टर के बारे में ये था, उसके अलावा खानजादी इज अ टैलेंटेड गर्ल जी. आप प्रॉब्लम होता है वो, क्योंकि मेरे साथ हुआ है जब मनारा को किसी से प्रॉब्लम होता है मनारा उसके बारे में इतना गंदा बोलती है जिसकी कोई हद ही नहीं होती. ये मुनव्वर खुद मेरे दोस्त होकर उन्होंने मेरे लिए सुनी ये बातें, लेकिन जब मनारा का ठीक हो जाता है तो वो ठीक है, लेकिन तुरंत कोई दूसरा उनको मिल जाता है और जो मुनव्वर के करीब होता है जैसे कि मैं पहले थी तो उनको मुझसे प्रॉब्लम, आयशा से प्रॉब्लम, कॉन्वर्सेशन की प्रॉब्लम नहीं है. जब मुनव्वर शेयर करता है अपना अटेंशन किसी और के साथ तो आपको प्रॉब्लम होती है, बट मैं सिर्फ हमेशा मनारा को एक चीज बोलती हूँ, जब अगर प्रॉब्लम है तो मुंह पर बोलो पीछे मत बोलो, हमेशा मुंह पर तो दिखाना आई डोंट टॉक लाइक दिस, बट आप पीछे इतना गंदा बोलती हो. प्लेस कर रही है ईशा और सबको मिला के, मेरी सिस्टर ने बोला है. क्या कर रही हो, प्लेस कर रही है मनारा की एक्टिंग उतार रही है. नहीं मैंने नहीं किया है, आप मेरी मैंने मनारा की कोई लाइव जो हम करते हैं, नहीं जो एक एक मैं बता रही हूं, अरे मैं करती हूं वैसे, आपने मुझे बोला जाओ मुनव्वर के अंदर जाके घुस जाओ, भैया की सुमो चाटो ये सब इन्होंने बोला है मुझे, शट अप तीन बार यहाँ बोला है, सो यू कांट जस्ट डिफेंड योरसेल्फ. ओके विक्की भाई आपसे एक सवाल है, एक सवाल भी है और आपके लिए एक परसेप्शन है अंकिता, मैं एक कहना चाहूंगा क्योंकि जैसे बहुत बात हो रही थी कि मनारा और इनकी जो दोस्ती को लेके कहीं ना कहीं जो एक जैसे इनका ही वर्ड है वाइब, वाइब भी है और ऑरा भी होता है, तो कहीं ना कहीं विक्की भाई ये हमने देखा है कि जब ऐसे मोमेंट्स आए थे जब आपको ऐसा लगा कि स्पेशली आप अंकिता और मनारा की जब दोस्ती थी कहीं ना कहीं वो कैमरे पे साफ दिख रही थी कि आपको अच्छी नहीं लग रही, यू आर फीलिंग वेरी जेलस, और यही रीजन है कि आपका मनारा के साथ थोड़ा वाइब ज्यादा मैच हो गया बिकॉज जो आपको एक शायद जो सपोर्ट या जो एक आपको पॉजिटिविटी चाहिए थी वो आपको अंकिता से नहीं मिल रही थी आपको मनारा से मिल रही थी. हाउ मच डू अग्री विद दिस? नहीं नहीं नॉट एट ऑल, सिर्फ मुनव्वर और तेरी और मेरी दोस्ती, नहीं मुनव्वर और अंकिता आपने बोला ना इनकी दोस्ती, मुनव्वर सी मुनव्वर अंकिता से कभी मुझे जेलसी नहीं हुई, मैंने कभी रोका नहीं उनको, मैंने हमेशा उनको उनकी स्पेस दी, तो यही चीज मैं हमेशा अंकिता को बस बोलता रहता था कि जब मैंने आपको हमेशा हर तरह की स्पेस दी है, स्पेस देने के साथ साथ वो ट्रस्ट हमेशा आपको फील कराया है कि आप किसी से भी अपने हिसाब से दोस्ती रख सकती हैं, तो जब मेरी बारी आती है अगर मैं किसी से कोई भी फ्रेंडशिप है मेरा एक ऑर्गेनिक किसी से भी रिलेशन शुरू होता है, तो अगर आपकी थोड़ी भी अगर उससे मान लीजिए कुछ अनबन हो जाती है तो अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि यू नो मेरी प्रॉब्लम हो गई तो अब आप उससे मान लो थोड़ा सा देखो उसने मुझे ऐसा किया या कुछ किया, तो मैं हमेशा बस इतना रिक्वेस्ट करता हूँ किसी, वो आपका उनका रिश्ता है आप करिए, मेरा कोई भी रिश्ता है तो आप मेरा रहने दीजिए क्योंकि मैं आपके रिश्ते में कभी बीच में नहीं आता, तो मेरी आप दोस्ती रहने दो आप अपनी दोस्ती करो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ. मुझे ऐसा लगता है जहाँ विक्की बोलते हैं विक्की की दोस्तियां जितनी भी रही है मैं इंटरफेयरिंग रही हूँ, लेकिन ऐसा कभी रहा नहीं है. फ्रॉम डे वन सना से इनकी दोस्ती रही है मुझे कभी कोई प्रॉब्लम रही है, खानजादी से रही है मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ईशा से दोस्ती रही है मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही. उसका एक वन ऑफ द रीजन ये था मुझे वो लोगों ने कभी चिढ़ाया नहीं इस दोस्ती को लेकर, मनारा ने हमेशा एक अलग टोन में अलग पोकिंग में ये मैं फील कर एज ए वुमन मैं ये कर सकती चिढ़ाया मैंने ये फील यस क्योंकि मेरा मुना राइट क्योंकि मेरा और मनारा का एक झगड़ा रहा है हमेशा, तो ये हमेशा ये मैंने फील किया है और मुझे ऐसा लगता है मनारा का एक टोन होता है तरीका होता है जब उसको पता है कि यू नो आज अंकिता से मेरी प्रॉब्लम है विक्की भैया से ठीक कर लूंगी, उनका ये स्टाइल है, तो मुझे एवरीवन टिल द एंड ऑफ द शो आई विल नॉट टॉक टू विक्की भैया, आई एम श्योर आई गिव यू इन
राइटिंग विक्की भाई मुझसे बात मत करिएगा प्लीज, यही मेरे साथ हमेशा होता है। मैं फ्रेंडलेस रह गया। मतलब व्हाट आई डिड मुझे भी नहीं पता चला, मैं तो सुबह उठ के चाय या मजाक कर रही हूं। नहीं 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 वैसे नहीं, मैं आपको हर बार एक तरीका चढ़ा रही हूं, बात कर रही हूं मनारा, आप चिल्लाइए मत। ओके आई एम सॉरी, है ना, मैं यही बोल रही हूं। कैन आई कंटिन्यू? एक फ्रेंड भी देखिए, बस मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एग्जैक्टली क्या था, आपकी एक टोन होती है, आपकी एक पोकिंग होती है, जो एक फील होती है, वो मुझे फील हुई। आपने नहीं किया होगा लेकिन आई फेल्ट दैट। प्लीज मुन्ना बोल, मैं बताऊं। चलो ठीक है, विक्की वो दे दे पानी। विक्की बोले मैं हेल्प हुआ, चॉपिंग कर रहा हूँ, सिर्फ हेल्प नहीं कर रहा। ठीक है, मनारा यहाँ खड़ी है, विक्की भाई मुझे वो पास कर दीजिएगा। अंकिता ने बोला विक्की सिर्फ चॉपिंग में हेल्प नहीं करेगा। विक्की भाई ने बोला मैं करूँगा, मेरी दोस्त है। तो अंकिता ऐसे खड़ी हुई है तो मनारा ने ऐसे किया, देखा अंकिता जी वो करेंगे हेल्प मेरी। दैट्स अ पोकिंग, दैट्स व्हाट शी इज सेइंग। प्रियंका सिंह दैनिक जागरण से। अंकिता मेरा सवाल आपसे ही है, कुछ दिनों पहले विक्की आपसे कुछ बात कर रहे थे और आपने कहा कि मेरे लिए कोई नैरेटिव सेट मत करो, जबकि आप विक्की के लिए लगातार नैरेटिव सेट कर रही हैं, चाहे वो आप जैसे कि कहती हैं कि इनसिक्योर हो, पजेसिव हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने एक वर्ड कह दिया उनके लिए, वुमेनाइजर, बाहर वो वुमेनाइजर लगेगा, वो वर्ड लोग पकड़ लेते हैं। घर में उसके बारे में बहुत सारी बातें हुई उसके बाद जो शायद आपको नहीं पता, लेकिन आपको लगता नहीं है कि जब आप विक्की को इतने हक से बोल देते हो कि नैरेटिव सेट मत करो, तो आप खुद मत एक नैरेटिव सेट करो? वो आप समझ सकते हो कि वो इंटेंशनली, मैं विक्की को सिर्फ एक बताने की कोशिश कर रही थी कि तू ऐसा ना लगे, और मैं यू नो वो वर्ड गलत था जिसकी वजह से आई ऑल्सो फेल्ट कि वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। सो दैट्स द थिंग। हेलो गाइस, मैं उपमा सिंह हूँ नवभारत टाइम्स से। मेरा सवाल तो ये जो शो की इकलौती क्यूट जोड़ी बची हुई है उससे था, लेकिन उससे पहले अभिषेक मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ, जो बात आपने अभी यहाँ पे कही मुनव्वर एंड आयशा के रेफरेंस में कि इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, पंजाबी मुंडे होते हैं, हो जाता है, ऐसे करते हैं। लड़की को पीटना, लड़की को चीट करना मर्दानगी नहीं होती। मैंने ये नहीं बोला। आपने बोला? मैंने ये नहीं बोला। मैं क्या बोल रहा था कि मैं इसको, मतलब मैं इसका साथ देने के लिए बोल, मैंने इसको हमेशा गलत ही बोला कि पंजाबी मुंडे होते हैं वो हो जाता है। नहीं नहीं, वही मैंने बोला, नहीं 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 नहीं, मैंने इसको यही बोला कि तू गलत है, पर मेरे को इसको साथ, इसके साथ खड़ा होना है। मैंने इसको हमेशा ये बोला कि तू गलत ही है। मैंने अभी भी यही बोला कि मुनावर तू गलत ही है, जो तूने किया वो गलत ही है, पर मैंने ये बोला कि जो ये बहुत ही डाउन हो गया था, ये इसका मुंह इतना सा हो गया था, मैं इसको बूस्ट, आपकी मैं चीजें समझ रहा हूँ, आपने जो चीजें बोली सब सही है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट बात क्या थी, मेरे को एक चीज मेरे को इसलिए बोलनी पड़ी थी क्योंकि मैं चाहता था कि ये गेम में वापस आए। ये बहुत डाउन हो गया था दो तीन हफ्तों के लिए, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जो चीजें हो गई वो कोई बात नहीं, हर कोई कर देता है कई कई बार वो चीज, दिस इज रॉन्ग, हर कोई कर, मैं वही बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं कि वो गलत है, बट मेरे को उसको उस चीज, मेरे को उसमें उस चीज को उठाना था कि एक बार तू निकल आ, उसके बारे में उस पे बाद में बात करेंगे, अभी तू यहां पे है तो और वक्त जाया ना करके उस चीज को नॉर्मल लेके आगे बढ़ने की ट्राई कर। अब तुझसे गलती हो चुकी है तो उसको मेरे को सहलाना था, फुसलाना था कि कोई बात नहीं, हो गया हो गया। ऑब्वियसली उसने इतनी बेसिक, समझिए ना, प्लीज समझिए, क्या हो गया, जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये है, आप बात सुन लीजिए, हम कहना चाह रहे हैं आप जैसे यहाँ पे भी मुनव्वर को जो आप बोल रहे ना, ऐसा लग रहा है मुनव्वर के साथ गलत हो गया। नहीं, नवर ने भी तो कुछ गलत किया ना, तो अगर आप, मैंने जब आप ये समझाते हो भी कहा है, तब मैंने यही कहा है दैट दिस इज समथिंग आई एम नॉट प्राउड। नहीं, ऑब्वियसली मैंने इसको हमेशा गलत बोला है, मैंने इसको कभी, अगर आप एपिसोड्स भी देखते हो तो आपने देखा होगा, मैं आप बड़े प्राउड फील करते हैं कि आपने तो थप्पड़ मारा फिर भी वापस आ गए। जब मैं, मेरी और ईशा की भी बात आती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बहुत गलत था, मैंने हमेशा ईशा को सॉरी बोला उस चीज के लिए, और मैंने काफी हद तक मैंने उस चीज के बारे में कभी बात भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलतियां करी हैं और वो बहुत गलत है। मुनावर भी अपनी जगह पे गलत है, बट अगर उस चीज को हमें,
उस चीज को सोच के हम इतना डाउन फील कर रहे हैं, तो मेरे इसको उठाने का वही मतलब था कि तू इतना सोच मत, हो गया हो आ गया, मेरे कहने का ही मतलब था कोई बात नहीं, अगर तुझसे तूने गलती करी है तो कोई बात नहीं, तू उसको उसको ओवरकम करके उससे आगे बढ़, बट अगर तूने गलती करी है तो कुछ कह नहीं सकते, बट मेरे को उसको बूस्ट करना था, उस चीज से निकालना था, क्योंकि जब मेरे पे वो एलिगेशन लगे थे एग्रेसिव वाले, तो मैं भी दूसरे एलिगेशन थे, और सिर्फ एलिगेशन थे क्या, आप खुद मानते हो क्या? मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, वही वही जो मैंने एलिगेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब आरोप, हाँ आरोप ही हो गया ना, तो आरोप लगे थे मुझ पे, नहीं वो सच था ना, हाँ आरोप जो सच आरोप था वो जो मुझ पे लगा था, उस चीज से ओवरकम करने के लिए भी मैंने यही सोचा था कि कोई बात नहीं अभी मैं यहाँ पे रहता हूँ, उस चीज के बारे में मैं बाहर जाके इस चीज पे सोचूंगा, अभी जो पास्ट में हो गया जो गलती होगी उसको सोच सोच के अपने आप को डाउन फील करवाना इस घर में वो अच्छा नहीं है, वही चीज मैं इसको समझाना चाह रहा था, क्योंकि मैं उस सिचुएशन से निकला था, मैं इसको प्राउड फील कभी नहीं करवाता, मैं हमेशा इसको ये बोलता हूँ गलत है, मैं भी गलत हूँ, मैंने भी गलतियां ही करी, सीखा उससे कुछ उन गलतियों से, अभी उसके बाद तो मेरा कोई वैसा चलिए मैंने सीखा ही है। आप सभी लोगों को पहली बात तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप फिनाले तक पहुंच चुके हैं। विशाल शर्मा एबीपी न्यूज सास बहु साजिश से। तो पहला मेरा सवाल है अंकिता से। अंकिता जैसे कि आप लोग जब आप जब शो में आई थी तो आपने ये कहा था कि मैं तो टीवी की हूँ, मेरी टीवी के फैंस में बहुत सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब आप लोग यही शो करने बाहर निकलते तो आप लोग ये बोलते हो मीडिया में कि अपने मैनेजर को ये मुझे टीवी कोई रिपोर्टर नहीं चाहिए, मुझे बॉलीवुड के लुक चाहिए, तो ये आप लोग का दोगलापन है या मौका परस हम बोलेंगे आप लोग को? इस बात पे तालियां। मैंने आज तक जब आप लोग बॉलीवुड में चले जाते तो आप लोग, मैंने कब बोला है? आपके मैनेजर आपके पीआर बोलते हैं। वो गलत बोल रहे हैं। फिर मैंने मेरा, मैं खुद टीवी की बच्ची हूँ, मैंने हमेशा, मैं फिल्म्स में भी गई हूँ, तभी मैंने ये चीज बोली। फिर ये है, मैंने कभी, एक सेकेंड, मेरे लिए आज भी टीवी प्लेटफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, ये मैं कह रही हूँ। जब मैंने मूवीज भी की, मैंने जितने पीआर किए मूवीज के, मैंने बोला आई एम प्राउड टू बी अ टेलीविजन एक्टर, क्योंकि मैं जो सीखी हूँ इस मंच पर सीखी हूँ, और मैं कभी इस चीज का इस्तेमाल नहीं करती। मैं डंके की चोट पर, ये मैंने घर पर भी कहा है, यस मेरा टीवी मायका है, और फिल्म इंडस्ट्री जहाँ मैंने नया नया कदम रखा है मुझे वहां जमाना पड़ेगा, वो मेरा ससुराल है, मेरा मतलब ये था। लेकिन मुझे, अगर मेरे पीआर टीम अगर ये बोल रही, तो मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, क्योंकि जेन्युइनली मुझे आप, मैं आप लोगों के बिना कुछ नहीं हूँ, और इस प्लेटफॉर्म के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। आई डोंट नो ही इज आस्किंग मी, तो मैं अंकिता आपकी पीआर, क्योंकि एबीपी न्यूज, अगर आप बात करते हैं सास बहू और साजिश, इस पे मेरा करियर टिका था एक टाइम पर, पवित्र रिश्ता रोज रोज के रोज सास बहू साजिश में मेरी कहानियां होती थी, और मैं ऐसा कभी हुआ, मेरे घर तक पहुंचे हो आप लोग, आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने जेन्युइनली कभी ये नहीं सोचा। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे, मैं बोलती हूँ सबको, टीवी मेरा घर है, मैं कैसे बोल सकती हूँ? बट अंकिता जी आपके पीआर आपके मैनेजर खुद बोलते हैं। वही तो मैं, आपको लगता है यहाँ बैठकर मैं उनको गाइड कर रही हूँ बोलने के लिए? हेलो एवरीवन, माय नेम इज राज दीक्षित, आई एम फ्रॉम स्टार स्टेशन। हाय राज। हाय अंकिता। ओके अभिषेक, आपसे मेरा सवाल है, और मैं चाहूंगा अरुण भाई अगर आप चाहें तो इसमें अपना पक्ष रख सकते हैं। तहलका यहाँ पे जब थे, आपको हंसी आई, आप समझ गए होंगे क्या है, आप उन्होंने आपका गिरेबान पकड़ा, जब वो जाने लगे आप रोए, आपने आप गिड़गिड़ाए, जब आपको पोक किया गया आपने चांटा मारा, आप बाहर गए। आपको नहीं लगता है एज अ डिग्निफाइड मैन आपको बिग बॉस को बोलना चाहिए था कि मैं डिजर्व करता हूँ बाहर जाना, क्योंकि अगर आप बाहर जाते तो कोई एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट इस घर में अभी भी होता? जी तो मुझे लगता है कि मैं डिजर्विंग हूँ, तभी मैं यहाँ पे हूँ। अगर मेकर्स बिग बॉस सलमान, तो फिर आप सबसे माफी क्यों मांग रहे थे? क्योंकि वो गलती हो गई मुझसे, और जो कि सलमान सर ने भी बताया वीकेंड के वार पे कि वो एक्शन नहीं था, वो रिएक्शन था। भाई आपको लगता है? मैं बात बोलता हूँ, उनका पहले हो जान, तो पहले हो गया। हाँ बोलो बोलो। पहले तो मैं तहलका एक जान दो जिस्म है जी। तहलका भाई मेरे को देख रहा था कि ये मेरा दोस्त एक डेढ़ घंटे से टैं 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 कर रहा, मेरा गले की जो थी वो फट गई थी, बात करते करते एकदम से आवाज मेरा बैठ गया था। तो देख रहा मेरे दोस्त को कि डेढ़ घंटे से अरुण यहाँ पर लड़ते जा रहा, तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, दैट इज द रीजन। वो अब उसको देखा तो वहां जाके गया, वो कोई पर्पसली रह गया। और हर एक, अब इन्हें मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो इनको तकलीफ होती भाई कि अगर मैं कुछ तकलीफ में हूँ ये आदमी। और वो झगड़ा जो था मेरा और ईशा का था, भाई बीच में आए, तो यहाँ पर भी तहलका बीच में आएगा। मैं बोलना चाहूंगा डायरेक्ट, मेरी और अभिषेक की लड़ाई नहीं थी, एक बार बोलना, क्योंकि
एक बार मैं मनारा के साथ बहुत अग्रेशन में बात कर रहा था, तो अरुण भाई ने बीच में आके बोला था कि लड़की से ऐसे बात नहीं करते, तो मेरे मन में था कि जब आप रीकैप की बात करें, रीकैप नहीं, आप सीधा मुद्दे की बात पे आइए। नहीं, मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात है, क्योंकि तब मैं ईशा से, ईशा के बीच में क्यों गया, क्योंकि ये भी लड़की से उस तरह से बात कर रहे थे, मैं बोलने गया था आप भी लड़की से उस तरह से बात कर। अभी तक मैं कोई लड़की को गलत बात नहीं कर रहा, जहां पर भी अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ वीकेंड के वार पे बोला गया, ऑन द स्पॉट मैं सीधा माफी मांग लिया हूँ अगर मुझसे कुछ गलती हो गई। माफी मांगने में छोटा नहीं होता, भाई को क्या वो बंदर को क्या है, अपना ही लाल दिखता ना, तो इनको यही दिखता है ये बंदर, ये घर के अंदर, इसको कुछ भी बोलो तुम नहीं सुनता ही नहीं ढंग से। तो बात मैं आपको कुछ, तुम्हें क्या गलत बोल रहा हूँ क्या, कुछ गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करा क्या, अरे मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपको, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं किसी चीज के लिए? आप तहलका, मैं ये बोल रहा हूँ जी, तहलका भाई के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, सॉरी बोलना चाहिए, मैं सॉरी हमेशा बोलता हूँ, मैंने बार बार बोला जब वो जा रहे थे तब भी मैंने सॉरी बोला कि मैं ये नहीं चाहता था, आई एम सॉरी तहलका भाई, मैंने कभी नहीं चाहा था कि आप ऐसे जाए, बट वो चीज क्या थी, करण सर ने जो दिखाया वो सिर्फ मेरा नहीं दिखाया, उन्होंने 10 पॉइंट्स दिखाए थे तहलका भाई के, सिर्फ मेरा पॉइंट नहीं दिखाया था, मेरे से पहले 9 पॉइंट्स दिखाए गए थे कि ये भी किया, 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 तो सिर्फ मेरी वजह से वो नहीं गए, पहले की 9 गलतियां भी उसमें इंक्लूडेड थी। 100 बात की एक बात, तहलका के 10 गलतियां होंगे उठाने में या कुछ ऐसे करने में, लेकिन मुंह पे ऐसा पचकड़ मारना बड़ी गलती है, दोनों का अगर कंपेयर करें तो इनका ज्यादा है। और कहीं ना कहीं मैं तहलका को, जब मैं मेरे गम के टुकड़े में रो रहा था तो ऑन द स्पॉट भाई पहले जो हुआ था हाँ हूँ करके हंगामा खड़ा कर देते कि इसको भेजो, इन्हें गया कहीं को नहीं, जब मैंने आज तक रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, पागल हो गया था, टेबलों पे हाथ पैर पीट रहा था, मैंने घर भेजो, पागल हो गया था, नहीं 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 भाई पागल हो गया, आज तक नहीं बोला, मैंने कहा इस पे एक्शन लो, एक्शन लो, इस पे बात होनी चाहिए, तो जब एक्शन ये दिया गया मैंने ये बोला कि इस पे एक्शन लो, एक्शन क्या रहता, इस पे बात एक्शन, बहुत चीजें होती है कि नॉमिनेट कर दो, जरूरी नहीं आपको निकालना है, चल जाएगा प्लस। ओके हाय, हेलो, या दिस इज लेटी फ्रॉम मिडडे। ओके, मेरा काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी इल्ज़ाम, काफ़ी खुलासा हो चुका है, काफ़ी आप लोग ने बोला है, मुझे सिर्फ एक जानना है आप सबसे कि इसके बाद, लाइक स्पेशली विकी और अंकिता, इसके बाद कपल थेरेपी लेनी पड़ेगी बहुत, और बाकियों से क्या आपको भी वापस जाके ये घर में जैसा माहौल, जितने इल्ज़ाम, जो भी नेम कॉलिंग्स सब हुआ है, घर जाके थेरेपी लेनी पड़ेगी? थेरेपी यहीं है, अभी मैं घुटने में जाके इनको सॉरी बोल दूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, सॉरी मंकी, मेरी गलतियां मुझे माफ कर दे, क्योंकि यू नो मैं सच एक बात बोलना चाहता हूँ, आप घर में जब इतने दिनों तक रहते हैं ना, आपको अपने रिश्ते में, शायद जब हम बाहर भी अपने घर पर रहते हैं, हम दोनों ही रहते हैं, तो उस टाइम ना आपको आपकी गलतियां शायद कोई बताने वाला नहीं होता और आपको कभी समझ में भी नहीं आती। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि 100 दिनों में मुझे इतने सारे लोग, और जब वही 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 सवाल पूछ रहे हैं ना, तो शायद अब मैं अपना लुक बैक करूं तो मुझे लग रहा है ओ शायद सच में उस समय पे मुझे नहीं ये एहसास हो पा रहा था कि सच में मतलब ऐसी कुछ चीजें हो रही थी जो शायद बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं वैसा इंसान हूं ही नहीं अपनी लाइफ में, मैं उस अभिमान के साथ, अंकिता के साथ हर जगह खड़ा रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन हर वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड शी हैज बीन माय सपोर्ट। आई एम सो थैंकफुल कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से यहाँ पहुंचा। मैं कभी नहीं शर्माया बात बोलने से, बट यू नो इस जर्नी में कहीं सच में इतना खो गया कि शायद वो एहसास जो होता है एक रिश्ते का, वो ही खो गया था। तो आई रियली वॉन्ट टू से सॉरी टू हर दैट यू नो, शायद हर वो चीज के लिए जो मुझसे गलत हो गई, और आई विल पक्का मेक इट अप टू यू, आई प्रोमिस, आई विल, आई प्रोमिस। मुझे आज तक सच में समझ में नहीं आया कि इतना ज्यादा, मेरे मायके वालों ने सिखाया है, मायके वालों ने, बाकी कॉन्फ्रेंस यहीं से करूंगा मैं कंटिन्यू, अब मैं यहीं से करूंगा। मनारा एंड मुनावर, घर जाके थेरेपी लेनी पड़ेगी? अब जरूरत नहीं थेरेपी की, हम दोनों कपल नहीं, इसके लिए आपके लिए कपल नहीं बोला, कपल वो कपल थेरेपी या सिर्फ थेरेपी, सिर्फ थेरेपी। मैं जहाँ तक समझता हूँ थेरेपी वगैरह जो है उससे बेहतर एक चीज ये होगी कि मेरी वजह से जो हर्ट हुआ है और मेरी वजह से जिसको प्रॉब्लम हुई है, मैं उनसे सॉरी कहूँ, और वैसा सॉरी कहूँ कि मुझे वैसी माफ़ी मिल जाए कि मेरे लिए वो थेरेपी हो, तो शायद वही कोशिश रहेगी। मैं बाहर जाके कपल बनाऊंगा फिर थेरेपी बना रहा अगर कोई बन गई तो मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि जब मैं
घर जाके अपनी मॉम अपनी सिस्टर को देखूंगी और मुझे वॉक करने का बहुत शौक है, मैं अपनी बैक रोड पे जाके वॉक करूंगी तो मेरे बोले वो थेरेप्यूटिक हो जाएगा। एंड हाँ मुझे बाबा पे ढूंढ लेना, टाइमिंग बताओ, टाइमिंग टाइमिंग बताओ, रात के 9 बजे इसके बाद मैं वही मिलती हूँ। तो मेरे लिए वही अपने एयरपोर्ट्स लगा के वॉक करना, अपनी फैमिली को मिलना, गुरुद्वारे जाना, मेरे लिए वही थेरेपी है। एंड आई एम फाइन विद दैट एंड आई विल बी बैक टू वर्क। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है मेरी थेरेपी से पहले मैं जब घर वापस जाऊँ, मुझे घर जाने के बाद आई थिंक हमारे पेरेंट्स जो हैं उनसे मिलकर बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी सॉरीज बोलनी है और माफ़ी मांगनी, क्योंकि हमारे इस बर्ताव की वजह से कहीं ना कहीं हमारा परिवार सच में हर्ट है, जो कि कभी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो शायद जब वो ठीक हो जाएंगे और जब वो नॉर्मली बात करेंगे और प्यार देंगे तो हमारी थेरेपी वहीं ख़त्म हो जाएगी। अरुण आपको? मेरा तो कोई थेरेपी वेरेपी नहीं है, मेरा तो 2-2.5 साल पहले खेल खत्म हो गया, दुकान बंद हो गया, घरवाली को चाबी दे के आया, दैट इज द रीजन। या 5-5 किलोमीटर दूर हूँ मैं सबसे, तो मेरा मसला अच्छा है, ये देखो बस दूर रहो खुश रहो। बिग बॉस सीजन 17, मैं इस बार बायस था लेकिन डंके की चोट पर, और आप भी प्रेस हैं, डंके की चोट पर ही सवाल करते हैं और वो भी सबसे। आप मत डरिएगा, आपको कतई बायस नहीं बोल रहा हूं, मैंने खुद को बोला था बायस। स्मार्ट। आपसे भला कौन बच पाया है, और इसकी झलक मेरे इन मोहल्ले वालों ने आज साफ साफ देख भी ली है। मैं प्रेस का इस मोहल्ले में आने और 14 हफ्ते लंबे इस सफर से जुड़े ढेर सारे सवालों के जवाब जानने के लिए ढेर सारा शुक्रिया करता हूं। Thank you. Thank you, Mikey Valu. Thank you so much.